नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत सरकार की ओर से सीबीडीटी ने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के संदर्भ में कुछ गाइडलाइंस या यूटिलिटीज एक्टिवेट की है। ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है, इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से एसोसिएट लार्ज को क्या हेल्प मिल सकती है, मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर के आज की इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक बात दोस्तों आपके सामने रखना चाहूंगा कि लास्ट ईयर अगस्त 2020 में जब भारत सरकार की ओर से यानी सीबीडीटी की ओर से टैक्स चार्टर की घोषणा की गई थी, तो उस टैक्स चार्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट जो एसएससी को दिया था वो था टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स कंप्लायंस पर्पजेस टू द एसएससी। और इसी प्रकार दोस्तों कुछ दायित्व भी एसएससी के ऊपर यानी करदाता के ऊपर लगाए गए थे। अब ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में एक यूटिलिटी आई है या एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपके पास में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके थ्रू आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके संदर्भ में ऑलरेडी आ चुकी है, व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर्स हैज रीच टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वुड बी अवेलेबल थ्रू दिस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट टू यू। एंड एक और एक्सटेंशन सर इसका मैं रखता हूं आपके सामने कि अब तक हम लोग मोस्टली फॉर्म 26AS पर रिलाई करते आए हैं। अब फॉर्म 26AS से आगे बढ़कर के सरकार एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, यानी ये एक एक्सटेंशन है फॉर्म 26AS का, और हो सकता है आने वाले समय में फॉर्म 26AS रिप्लेस हो जाए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के थ्रू कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट तक आप एज एन एसएससी कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी, क्या क्या ऑप्शन वहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले भारत सरकार की ही भाषा में यानी सीबीडीटी की भाषा में आपके सामने रख रहा हूं कि व्हाट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो जब आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के लिंक पर जाएंगे, कैसे जाना है मैं अभी चर्चा करता हूं, वहां ही बात लिखी है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ टैक्स पेयर डिस्प्लेड इन फॉर्म 26AS, यानी ये एक्सटेंशन है फॉर्म 26AS का। टैक्स पेयर कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन AIS, इसका ब्रीफ में नाम AIS कर देते हैं। AIS शोज बोथ रिपोर्टेड वैल्यू एंड मॉडिफाइड वैल्यू। रिपोर्टेड वैल्यू और मॉडिफाइड वैल्यू क्या है सर, अभी आगे समझेंगे कि मान लीजिए किसी ने मेरे नाम पर FD चढ़ा दी, किसी संस्था ने कि अनु भाटिया ने इस साल हमारे यहाँ 10 लाख की FD करी और मैंने ऑब्जेक्शन दाखिल किया, यहाँ ऑब्जेक्शन दाखिल करने का ऑप्शन है कि नहीं साहब 10 लाख की नहीं, मैंने तो 1 लाख की FD कराई थी, ये 10 लाख कैसे हो गया, तो मैंने कुछ मॉडिफाइड किया उसको। तो रिपोर्टेड वैल्यू एंड मॉडिफाइड वैल्यू दोनों को दिखाएगा, दैट इज द वैल्यू आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स पेयर्स फीडबैक अंडर ईच सेक्शन दैट इज TDS, SFT, अदर इंफॉर्मेशन। द फंक्शनैलिटीज यानी जो ऑप्शन अवेलेबल है सर AIS टैब में क्या है, वन यू कैन व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, सबमिट फीडबैक ऑन द AIS, आपका जो AIS है उस पर आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। अपलोड AIS फीडबैक पैकेट जनरेटेड फ्रॉम AIS यूटिलिटी, आप AIS यूटिलिटी डाउनलोड करके अपलोड एक साथ भी बल्क में कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, आप डाउनलोड कर सकते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को, इस पर अभी चर्चा करूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स, डाउनलोड AIS कंसोलिडेटेड फीडबैक, डाउनलोड AIS फीडबैक एक्नॉलेजमेंट एंड डाउनलोड AIS फीडबैक ट्रैकर, ये सारी फंक्शनलिटीज आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में डिटेल में मिलेंगी। अब दोस्तों हालांकि मैंने ये वीडियो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर बनाई है, लेकिन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ ही सरकार एक और वहां पर ऑप्शन दे रही है जिसका नाम दिया है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, यानी आपकी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक साथ दिखाई जाएगी। अब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी क्या है वो भी समझ लेते हैं। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी इज एन इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन समरी फॉर अ टैक्स पेयर। It shows processed value, that is value generated after deduplication of information based on predefined rules, and derived value, that is value derived after considering the taxpayer feedback, and processed value under each information category, salary, interest, dividend, etc. The derived information in TIS will be used for pre-filing of return if applicable.
The functionalities under TIS tab are view taxpayer information summary and download taxpayer information summary. तो आप समझिए सर, आपको सबसे पहले annual information statement पर उतरना है. वहां अगर आपको लगता है कि कुछ डेटा इनकरेक्ट है या मॉडिफाई करने की जरूरत है, आपने वो इनकरेक्शन को दूर किया, मॉडिफिकेशन कराया, उसके बाद फाइनली आपकी एक टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी तैयार होगी. ये टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी सर इस प्रकार, जैसे अभी इस साल में रिसेंटली आप जब असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए रिटर्न भर रहे थे और आपने अगर सीधे पोर्टल पर जाकर के रिटर्न भरने की कोशिश करी हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड भी मिली होगी. तो ये जो टैक्स इंफॉर्मेशन समरी है दोस्तों, इससे आपको प्रीफिल्ड रिटर्न भरी हुई मिलेगी. यानी सरकार टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी, जिसे मैं शॉर्ट में TIS कह रहा हूं, उसके थ्रू आपकी एक प्रीफिल्ड रिटर्न तैयार कर सकती है. ये यहां पर TIS का तात्पर्य होगा. तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हाउ टू रीच टू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. मैं मान लेता हूं कि आपने अपना इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन किया, यानी अपने पैन और पासवर्ड से आपने जो नया पोर्टल है उसके ऊपर लॉगिन किया. जब लॉगिन किया तो सामने आपके साथ में ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं. से फॉर एग्जांपल यू हैव डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज्ड पर्सन, सर्विसेज एक्सेट्रा. तो यहाँ आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है. जब आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे सर, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. आप जैसे ही एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि हम आपको एक दूसरे साइट पर, एक दूसरे लिंक पर लेकर के जाएंगे. डू यू एग्री? वहां आपको यस करना है. दैट इज हाउ द केस विल बी फॉरवर्डेड. यानी आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की ओर इस प्रकार पहुंचेंगे. देखिए, मैं मान लेता हूं आपने वहां पर क्लिक कर लिया सर्विसेज में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को. जैसे ही आपने क्लिक किया तो ऑन क्लिकिंग प्रोसीड बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द AIS होम पेज ऑन कंप्लायंस पोर्टल. यहां फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है. जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे सर, तो यू विल फाइनली लैंड अप इनटू अ न्यू पोर्टल. ये नया पोर्टल जो है वो क्या है, या नया लिंक जो है वो क्या है, AIS.insight.gov.in. ठीक है, इस प्रकार से आपको यहां पर ये दिखाई देगा. फाइनली यहां पर कुछ आपको AIS के इंस्ट्रक्शंस, AIS और एक्टिविटी हिस्ट्री, ये तीन ऑप्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे. अब देखिए जरा ध्यान से कि जब आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, यानी इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. और यहां सर आपको वित्त वर्ष 2020-21 यानी आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करने का ऑप्शन है. आपने रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर क्लिक किया, यहां पर आपका पैन, आपका नाम दिखाई देगा. आपको फाइनली यहां पर जैसे ही आप किसी भी एक ऑप्शन पर, आप चाहें तो इस पर क्लिक करें, चाहें तो इस पर क्लिक करें. मैंने आपको जैसे पहले बोला कि सर आपको पहले एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाके अपने प्रति, यानी आपके प्रति जो भी इंफॉर्मेशन लोडेड है वो चेक करनी है, तो आप यहां क्लिक करिए एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट विंडो. अब मैं मान लेता हूं सर कि आपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक कर दिया है. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सर, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए तो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन बताएगा कि ठीक है, एसएससी का पैन, एसएससी का मोबाइल नंबर, एसएससी का आधार, एसएससी का ईमेल आईडी, एसएससी का नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ क्या है. ठीक है, यहां पर फिर देखिए आपके पास में जो ऑप्शन ऊपर मैंने बात करी थी कि वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो आपको यहां पर मेंशन करनी है. ये जो पार्ट ए है, इससे जब हम पार्ट बी में जाएंगे, पार्ट बी इज रियल इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल फॉर यू. मैं आपको पार्ट बी पर ले जाने से पहले एक और चीज यहां पर बता देना चाहूंगा कि एक डाउनलोड ऑप्शन भी सर आपको यहां पर मिलेगा. वो डाउनलोड ऑप्शन क्या बोलता है कि आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड मिलेगा. आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को JSON फाइल, जिस पर आजकल रिटर्न्स फाइल होती हैं, ये यहां पर इस फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. और एक AIS कंसोलिडेटेड फीडबैक, जो आपने फीडबैक फाइनली अपलोड किया है, वो भी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा. जब आप ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेंगे सर, तो इस इंफॉर्मेशन के डाउनलोड करने के बाद में आपको उस PDF को खोलने पर एक
यहाँ पर एक तरीका इन्होंने बोला है कि सर आपका पैन और आपका डीओबी, इन सब का कॉम्बिनेशन जब आप डालेंगे जो यहाँ पर डिस्कस्ड है, उसको करने पर आपका ये पर्टिकुलर डाउनलोडेड फाइल खुलेगा और आपको व्यू करने का ऑप्शन फाइनली मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ में आ रहा हूँ पार्ट बी ऑफ एआईएस पर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पार्ट बी में आप देखिएगा मेरे साथ में कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। टीडीएस टीसीएस की इन्फॉर्मेशन है, एसएफटी यानी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपने कौन कौन से करों का भुगतान यानी इनकम टैक्स का कौन कौन सा भुगतान किया है वो दिखेगा, आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड है या रिफंड है ये भी एक ऑप्शन है, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपके प्रति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे शेयर करना चाहता है तो वो भी आपको मिलेगी। अब पार्ट बी में जो बी वन पार्ट है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिडक्ट टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, यानी आपसे जो टैक्स काटा गया है या आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर दिखाई देगी। से फॉर एग्जाम्पल इस एसएससी के केस में डिविडेंड की इंफॉर्मेशन सर हमें यहां पर दिख रही है, और डिविडेंड पर टीडीएस सेक्शन 194 में कटा है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, कौन सी कंपनी से सर रिसीव हुआ है, कितनी बार रिसीव हुआ है सर, और टोटल अमाउंट कितना मिला है। तो आपको ये देखते जाना है कि अच्छा ये जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए यहां पर दिखाई दे रही है ये सही है या गलत है। साथ ही साथ दोस्तों एक फिल्टर का भी ऑप्शन आपको यहां पर दिया है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको जो रिलेवेंट डेटा है उसको कैटेगरी वाइज डिविडेंड के लिए अलग, इंटरेस्ट के लिए अलग, सैलरी के लिए अलग, इस प्रकार से फिल्टर करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अब पार्ट बी में देखिए दोस्तों फर्दर, जैसे पार्ट बी में पार्ट बी वन बी टू इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिलती जाएगी। जैसे डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपके साथ में चर्चा करी, इसी प्रकार से सर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट कोड के साथ में अपलोड हुई है। आप कहेंगे भाटिया जी इन्फॉर्मेशन आ कहां से रही है? सर ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिलेवेंट कंपनी, रिलेवेंट टीडीएस डिडक्टर, उन्होंने आपके प्रति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल करी है वेरियस प्रोसीजर्स में, वेरियस रिपोर्ट्स में, और वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके प्रति मिला है। जैसा मैंने शुरू में बोला था सर कि टैक्स चार्टर के थ्रू भी सरकार ने ये बोला कि हम आपके साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हमारे पास में आपके प्रति क्या इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन पर प्रॉपर एक्शन लें और आगे बढ़े। तो देखिए सर यहाँ डिविडेंड इनकम के प्रति, इंटरेस्ट इनकम के प्रति, सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज के प्रति ये एसएससी के लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर कि क्या क्या कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनके पास में, टोटल अमाउंट कितना वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप इस टोटल अमाउंट को अपनी रिटर्न से मैच करने की कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा मैं फॉर एन एग्जांपल रिटर्न में 88,200 का डिविडेंड दिखा रहा हूं या नहीं। आप कम दिखा रहे हैं तो आप समझिए सरकार के पास में इंफॉर्मेशन ज्यादा की है, आप डिविडेंड कम दिखा रहे हैं तो कल इशू बन सकता है। तो यू हैव टू चेक कि मेरा ऐसा कौन सा डिविडेंड है जो मुझे नहीं पता लेकिन वहां पर पोर्टल में दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ चेकिंग विच यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एआईएस। जैसा मैंने शुरू में कहा था सर, आपकी जानकारी के लिए बात रखता हूं कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच आर रिपोर्टेड अंडर एआईएस में इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी, रेंट रिसीव, डिविडेंड, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज में भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड रिलेटेड और डिटेल्स ऑफ फॉरन रेमिटेंसेज। दीज ऑल इन्फॉर्मेशन माई डियर फ्रेंड्स आर फॉर द पर्पजेज ऑफ अवेकनिंग द एसएससी कि सर देखिए आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, आप अपनी आईटीआर में इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स देने हैं वो प्रॉपरली फिलअप करें, ताकि हमारी ओपिनियन में आपकी रिटर्न अधूरी ना हो या हम आपको किसी प्रकार से टैक्स इवेजन का दोषी ना पाए। अब एसएफटी पर ही दोस्तों आपसे कुछ चर्चा और करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने जिनका यहां पर डेटा लिया उनके सेल ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई कि उन्होंने उन सज्जन ने सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स किया, किसके थ्रू किया, एनएसडीएल के थ्रू किया, ठीक है, कितने ट्रांजेक्शन्स हुए और उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। अब एक एक डिटेल देखिए सर, सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है जैसा उनको सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन कंपनी से मिली होगी कि इन सज्जन ने 25 मार्च 2021 को यस बैंक के शेयर बेचे जो कि लिस्टेड शेयर थे, डेबिट टाइप यानी मार्केट के थ्रू ये ट्रांजेक्शन हुआ और इन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है सरकार की नजर में, क्वांटिटी इन्होंने 10,000 की करी। अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप इस इंफॉर्मेशन पर बल्क फीडबैक दे सकते हैं, आप फिल्टर लगा सकते हैं, आप इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा सर, इफ यू आर रिपोर्टिंग द राइट ट्रांजेक्शंस टू द अथॉरिटी देन दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू।
बट इफ यू आर नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन और गिविंग इंफॉर्मेशन विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टू वॉट इज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हेयर इन द EIS, देन यू हैव टू बी कॉशियस कि कल आपकी रिटर्न को किसी न किसी प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगालेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों ये चर्चा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, जो मैंने बोला था कि आपको फीडबैक प्रोवाइड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो जब मैंने प्रोवाइडिंग फीडबैक का एक ऑप्शन लिया सर, तो मुझे एक बल्क फीडबैक का ऑप्शन यहां पर सरकार दे रही है कि आपने किसी भी एक जगह क्लिक किया, जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कंटिन्यू का बटन दबाना है कि मान लीजिए मैं इस इंफॉर्मेशन को डिनाई करना चाहता हूं, तो मैंने कंटिन्यू का बटन क्लिक किया, फिर कंटिन्यू का बटन क्लिक करने पर दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन आई कि अच्छा सर आपका ट्रांजेक्शन नंबर ये है, इस ट्रांजेक्शन नंबर के साथ में आपके पास में हमारे लिए इंफॉर्मेशन डिटेल जो अवेलेबल है कि डेट ऑफ सेल आपकी क्या थी, आपका कौन सा पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, आपका सेल प्राइस पर यूनिट कितना था, आपका टोटल सेल कंसिडरेशन कितना आया, ठीक है, और साथ साथ सर आपने टोटल कॉस्ट वगैरह कितनी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दिख रही है। मान लीजिए मैं कहता हूं सर ये इंफॉर्मेशन मेरी नहीं है, मैं इसे डिनाई करना चाहता हूं, तो क्या होगा, जैसे ही मैं डिनाई करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो वो मेरे को कहेगा सर फीडबैक टाइप सेलेक्ट करिए। अब फीडबैक टाइप दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि आपको इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन या ट्रांसफर नॉट इन द नेचर ऑफ सेल, इनकम जो आ रही है वो टैक्सेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन या अदर ईयर, इंफॉर्मेशन इज इन डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, ये ऑप्शन आपको यहां पर मिलेंगे। तो आपको सही फीडबैक यहां पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस पर फाइनल इंफॉर्मेशन आपके ITR प्रोसेसिंग में आपके ITR से कंपेयर करने में काम ली जाएगी। दूसरा, आप इसके प्रति श्योर होने चाहिए कि जब आप कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हैं या उसे इनकरेक्ट बोल रहे हैं, तो आप जैसे ही वो इंफॉर्मेशन को इनकरेक्ट बोलते हैं तो आपने लायबिलिटी अपने कंधों पर ले ली कि साहब जरूरत पड़ेगा तो मैं इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है ये बात प्रूव करने के लिए अवेलेबल। अब जैसा दोस्तों मैंने शुरू में कहा था कि यहां पर TDS इंफॉर्मेशन, SFT इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड एंड रिफंड या अदर इंफॉर्मेशन आपके पास में आएगी, तो मान लीजिए यहां डिमांड एंड रिफंड में सरकार बता रही है आप डिमांड पर भी क्लिक कर सकते हैं, रिफंड पर भी, आपने असेसमेंट या सेलेक्ट किया, अभी इससे रिफंड यहां पर क्लिक किया हुआ है कि साहब 2021 के लिए रिफंड क्रेडिट हुआ, ये अमाउंट का क्रेडिट हुआ और इस दिन को सरकार ने आपको पेमेंट कर दिया, तो यू कैन सी द स्टेटस ऑफ डिमांड एंड रिफंड बोथ। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सर जो मुझे दिखी यहां पर कि अदर इंफॉर्मेशन में, फॉर एन एग्जांपल, भारत सरकार ये कह रही है कि सर हमने इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड भी दिया है SSC को, ठीक है, तो हालांकि अमाउंट यहां पर लिख ही नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है ये अमाउंट यहां पर कोई 300, 500, 5000 रुपए की लिखी होती, तो SSC का कर्तव्य बनता है कि वो इंटरेस्ट ऑन रिफंड को भी अपनी ITR में इनकम में रिपोर्ट करे। हुआ क्या दोस्तों, इन पास्ट इट हैज बीन नोटिस मेनी अ पर्सन हु आर एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिपोर्टिंग देयर शेयर मार्केट ट्रांजेक्शंस, नॉट रिपोर्टिंग सेविंग बैंक रिलेटेड इनकम, नॉट रिपोर्टिंग देयर बॉन्ड्स इंटरेस्ट रिलेटेड इनकम इन देयर ITR, एंड व्हेन दे आर इंडल्जिंग इनटू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस then it is a clear tax evasion on the part of SSE. So when department is showing you that look Mr. Bhatia, we have following information of you in our domain and I have already seen it at the time of filing ITR, then I may be cautious in reporting that income properly in my ITR. अब दोस्तों annual information statement के साथ tax information summary जो आपके annual information statement पर दिए गए feedback से finally तैयार होगी, ठीक है, वो चर्चा यहां पर कर रहा हूं कि सबसे पहले आपसे जनरल इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर की गई कि ठीक है आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार, ईमेल, नेम, ठीक है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सरकार यहां पर आपको अपडेट कर देगी। आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉग इन पर जाइए और वहां अपना करेक्शन भी आप दाखिल कर सकते हैं। अब इस टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में दो वैल्यू आ रही है सर, प्रोसेस्ड वैल्यू एंड डिराइव्ड वैल्यू, ठीक है, और हर एक कैटेगरी के लिए आपको मिलेगा ये फिगर, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन
विच आर अवेलेबल फॉर यू हेयर। मान लीजिए अगर मैंने AIS के अंदर कोई फिगर चेंज किया होता तो मेरी डिराइव्ड वैल्यू फाइनली कम होकर के यहां पर आती, या मैंने अगर कोई वैल्यू ज्यादा भी देनी है तो सर मैं ITR में ज्यादा वैल्यू रिपोर्ट कर सकता हूं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिविडेंड अगर भारत सरकार तक नहीं पहुंच रहा तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप वो डिविडेंड को अपनी इनकम में अदर सोर्स में जोड़ करके ऑफर कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट वो फिगर देना है जो AIS में दिख रहा है, या वो फिगर देना है जो AIS में आपने करेक्ट करके डिराइव वैल्यू के रूप में टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में फाइनली रिफ्लेक्ट करा लिया है। और एक हल्का सा डिटेल आपको दे रहा हूं कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, ठीक है, इन असेसी के इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक की, इस बैंक से आ रही है सर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये पैन है सर यहां पर, है ना, HDFC बैंक का, और इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम के अंदर कितनी रिपोर्टेड इनकम है और कितनी प्रोसेस्ड इनकम फाइनली आई है, कितनी डिराइव्ड इनकम यहां पर आ रही है, ये यहां पे आपको दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दोस्तों TDS TCS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर दिख जाएगी कि किस कंपनी ने या किस असेसी ने असेसी को किस पेयर ने इंटरेस्ट दिया है, कितना अमाउंट दिया है, कितना फाइनली प्रोसेस होकर के डिराइव हुआ है। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल रिफ्लेक्ट हियर। साथ ही सर अगर उन असेसी को इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स मिला है तो से किस व्यक्ति ने, से कोई पार्टी है जिसे उन्होंने पैसा दिया उन्होंने ब्याज दिया, कोई कंपनी है जिसे पैसा दिया उन्होंने ब्याज दिया, कितना ब्याज वहां पर रिपोर्ट हुआ, ये भी आपको यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भारत सरकार बता रही है कि सर हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन है कि आपने इतनी वैल्यू की लिस्टेड इक्विटी शेयर या लिस्टेड म्यूचुअल फंड बेचे हैं, आर यू रिपोर्टिंग इट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। एक और ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर दिखेगा कि ठीक है किस पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी आपने कब कब लॉग इन किया है, ठीक है, और वो लॉग इन करके आपका कोई रेफरेंस आईडी या कोई सोर्स यहां पर सरकार आपको दिखाना चाहेगी तो दिखा सकती है। कुछ और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है सर AIS से जुड़े आपके सामने रखता हूं कि तीन प्रश्न हैं। व्हाट इज योर एक्चुअल इनकम, व्हाट इफ योर एक्चुअल इनकम इज हायर देन द फिगर्स रिपोर्टेड इन द AIS। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया सर कि आपकी एक्चुअल डिविडेंड इनकम है से 1,20,000 और AIS में रिपोर्ट हो रही है 80,000, तो आप अपनी एक्चुअल डिविडेंड इनकम जो रिसीव हुई है वो रिपोर्ट कर दीजिए। व्हाट इफ सर्टेन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड बाई यू आर नॉट रिपोर्टेड इन AIS। इसका उत्तर पहले जैसा ही है कि मान लीजिए आपकी रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन किए और वो AIS में किसी वजह से नहीं दिख रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो अपनी ITR प्रॉपरली फाइल करिए। एंड व्हाट इफ रॉन्ग ट्रांजेक्शंस आर रिपोर्टेड इन AIS, तो सर आपको फीडबैक देना है, आपके फीडबैक के बेसिस पर सरकार सही वैल्यू करेक्ट कर लेगी और उसके बाद में आप फाइनली अपनी ITR भर सकते हैं। ये प्रकार से आपको आगे चलना होगा। दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे असेसीज असेसमेंट ईयर 21-22 यानी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑलरेडी अपनी ITR भर चुके हैं AIS की यूटिलिटी अवेलेबल होने से पहले, AIS की सर्विस अवेलेबल होने से पहले, तो उन्हें क्या करना चाहिए सर, वो भी एक बार AIS में जाएं, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि किस प्रकार आपको AIS लिंक तक पहुंचना है, और अपनी ITR को कंपेयर करें कि AIS में क्या इंफॉर्मेशन अपडेटेड है अपलोडेड है। अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस आपके रिटर्न में होने हैं तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, और ऐसे लोग सर जिन्होंने अपनी रिटर्न अभी तक नहीं भरी वो अपनी रिटर्न भरने से पहले AIS को रिव्यू करें। और AIS सर जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि 26AS का बड़ा भाई है या 26AS का एक्सटेंडेड स्वरूप है, तो आपको AIS का लिंक प्रॉपर समझ करके अपनी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग देख करके फिर फाइनली ITR भरनी है। और मुझे लगता है सर आपके चार्ट अकाउंटेंट, आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको इस काम में निश्चित रूप से बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि AIS पर, हालांकि ये काफी डिटेल वीडियो बनी है लेकिन क्यों ये ऑप्शन ही काफी डिटेल में डिस्कशन करने का था इसलिए मैंने यहां पर आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन किया। आपका समय लेने के लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको धन्यवाद कहूंगा। तो दोस्तों बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, थैंक यू।